तो जब किसी असेट या लायबिलिटी के रिवॉल्यूशंस होते हैं ना, जब भी पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर जब असेट एंड लायबिलिटीज का रिवॉल्यूशन होता है ना, तो उस केस में एक रिवॉल्यूशन अकाउंट बनता है। ठीक है, दो बातें, रिवॉल्यूशन कब होता है और रिवॉल्यूशन अकाउंट कैसे बनता है। तो एक तो जब पार्टनरशिप में चेंजेस आते हैं, कोई नया पार्टनर आता है, एडमिट होता है, या कोई पार्टनर आउटगोइंग होता है, कोई पार्टनर जा रहा होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ हो जाती है उस केस में, या ऐसे भी कभी रेशो चेंज करना है, ऐसे कभी भी फर्म में रिवेल्यूशन हो सकता है असेट और लायबिलिटीज का, कभी भी हो सकता है। जब असेट और लायबिलिटीज का रिवेल्यूशन होता है ना, तो उस केस में रिवेल्यूशन अकाउंट बनता है। रिवेल्यूशन अकाउंट कैसे बनता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसके बारे में समझ लो। रिवेल्यूशन का फॉर्मेट, तो रिवॉल्यूशन का फॉर्मेट ये होता है, सबसे पहली लाइन में तो आता है रिवॉल्यूशन अकाउंट, पहली लाइन में क्या आता है, और दूसरी लाइन में आता है किस डेट पे अकाउंट बना रहे, वो डेट लिखने का तरीका एज ऑन, उसके आगे डेट आ जाएगी, डेट ऑफ रिवॉल्यूशन आएगी। डेट ऑफ रिवॉल्यूशन डेट ऑफ एडमिशन ही होती है, जिस दिन पार्टनर एडमिट होता है, जिस दिन पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाता है, वही डेट डेट ऑफ एडमिशन होती है। जिस दिन पार्टनर का रेशियो चेंज होता है, वही डेट ऑफ एडमिशन होती है। और यूं भी अगर कोई अलग से डेट दी हो तो वो डेट लिख देंगे आप। एज ऑन के आगे कौन सी डेट आती है, डेट ऑफ रिवोल्यूशन, जो कि डेट ऑफ एडमिशन या डेट ऑफ रिटायरमेंट होती है। एग्रीड। फिर तीसरी लाइन में आता है डीआर एंड सीआर। इस ढंग से जो हेडिंग है ना, वो तीन लाइन में ही लिखना है, दो में नहीं लिखना है, कभी भी शॉर्ट करके नहीं लिखना है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, पहली लाइन में लिखते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट, और दूसरी लाइन में एज ऑन लिखते हैं, डेट लिखते हैं, और वो सेम लाइन में दोनों कॉर्नर में डी आर सी आर लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है। क्या एग्री हुए? यस सर। सभी एग्री हुए? यस सर। आगे चल रहे हैं। अब ये रिवॉल्यूशन अकाउंट कैसे बनता है, अगर किसी असेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, तो जितना अमाउंट इंक्रीज हुआ है वो हमारा प्रॉफिट है, वो रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और अगर किसी असेट की वैल्यू कम हो जाए, तो जितनी वैल्यू कम हुई वो हमारा लॉस है, रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा, है ना। वाइस वर्सा, लायबिलिटी, लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो लॉस है, डेबिट करेंगे। लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ना तो लॉस होता है, डेबिट होता है रिवॉल्यूशन। और अगर किसी लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाए तो फिर वो प्रॉफिट एक फॉर्म के लिए वो क्रेडिट हो जाएगा रिवॉल्यूशन अकाउंट में। एग्रीड। अब जैसे कि एग्जांपल लेके समझते हैं इस बात को। मान लो बैलेंस शीट में फिक्स असेट दिए 99,000, कोई भी असेट दिए, फिक्स असेट दिए, या मशीन दिया है, या फर्नीचर, या स्टॉक फिक्स असेट, या करंट असेट, कोई सी भी असेट दिए मान लो बैलेंस शीट में, हमने एग्जाम्पल में फिक्स असेट ले लिया। मान लो कि बैलेंस शीट में फिक्स असेट 99,000 रुपीज दिए। अब इसका जब रिवॉल्यूशन होगा, इसकी जब वैल्यू चेंज होगी, तो वो क्वेश्चन में किस किस टाइप से दे सकते हैं, किसी असेट के बारे में कितने टाइप के एडजस्टमेंट्स आते हैं, वो सब हम एक एक करके पढ़ेंगे। 42 टाइप के एडजस्टमेंट्स होते हैं। कितने टाइप के? 42। एक एक करके पढ़ेंगे। एक एडजस्टमेंट को 10 ढंग से दे सकते हैं तो वो 10 एडजस्टमेंट नहीं माना जाएंगे, वो एक ही माना जाएगा। एक ही चीज को कई ढंग से दे सकते हैं पर उनके एक ही मानेंगे, पर अलग अलग वे इस टाइप से 42 एडजस्टमेंट बनेंगे। ध्यान देके समझ लेना। मान लो कि बैलेंस शीट में फिक्स असेट दी हुई है 99,000। अब इसके बारे में क्या क्या चीजें आ सकती है रिवॉल्यूशन में, जो आती है एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, फिक्स असेट आर वैल्यूड एट 1,05,000। क्या लिखा है? फिक्स असेट आर वैल्यूड एट 1,05,000, यानी जो फिक्स असेट है वो 1,05,000 की हो गई, जबकि पहले बैलेंस शीट में कितनी दी हुई थी? 99,000। बैलेंस शीट में फिक्स असेट 99,000 थी, रिवॉल्यूशन किया तो 1,05,000 की हो गई, 6,000 इंक्रीज हो गई। तो असेट की वैल्यू 6,000 इंक्रीज हो गई, ये चीज तीन ढंग से दे सकते हैं आपको। एक तो लिखा ही हुआ है, एक और ढंग से लिख सकते हैं, फिक्स असेट बी रिटर्न अप टू 1,05,000, रिटर्न अप टू लिखा है, टू बाय नहीं लिखा है, रिटर्न अप बाय 1,05,000 नहीं लिखा है, रिटर्न अप टू 1,05,000, जो असेट है ना वो बढ़कर 1,05,000 हो गई। ये दूसरा मेथड हो गया लिखने का। क्वेश्चन में एक और ढंग से क्या दे सकते हैं, फिक्स असेट रिटर्न अप टू 1,05,000, जो असेट 99,000 की थी ना वो बढ़कर
1,05,000 हो गई, यानी कि 6,000 से बढ़ गई। तो बात तो वही है, लिखने का तरीका अलग अलग है। तो क्वेश्चन में कभी ऐसे देंगे कभी वैसे देंगे। और कैसे दे सकते हैं? फिक्स असेट रिटर्न अप बाय 6,000, असेट 6,000 से बढ़ गई, सीधे सीधे दे दिया। पहले और दूसरे पॉइंट में हमको कैलकुलेट करना पड़ा कि कितनी वैल्यू बढ़ गई, और तीसरे वाले केस में हमको सीधे दे दिया कि 6,000 से बढ़ गई है। पर तीनों का मतलब है कि तीनों का ट्रीटमेंट तो सेम ही होगा, ठीक है, चाहे ऐसे दिया या वैसे दिया, ट्रीटमेंट तो हर केस में सेम होगा। तो ट्रीटमेंट क्या होगा? बैलेंस शीट में लिखा जाएगा फिक्स असेट 99,000, ठीक है, फिर उसमें लिखेंगे अपन क्या बढ़ रही कि घट रही है वैल्यू, बढ़ रही, तो एड एप्रिसिएशन और बाहर आ जाएगा 1,05,000। इस ढंग से बैलेंस शीट में दिखा देंगे पहले तो, इस ढंग से हम बैलेंस शीट में इसको दिखा देंगे भाई। एक मिनट, अब ठीक है बेटा, अब दिख रहा है? ठीक है, तो सुनिएगा, तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम फिक्स असेट लिख देंगे 99,000, एड एप्रिसिएशन 6,000, तो बाहर कितना आ जाएगा 1,05,000। इस ढंग से हम पहले तो बैलेंस शीट में हम दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद में उधर रिवॉल्यूशन में आ जाते हैं अपना, रिवॉल्यूशन में बाय फिक्स असेट, बाय फिक्स असेट कितना लिखेंगे 6,000, ये लिख दिया हमने, एग्री। अब फिक्स असेट के बारे में और क्या एडजस्टमेंट आ सकता है रिवॉल्यूशन में? तो फिक्स असेट आर वैल्यूड एट 85,000, फिक्स असेट 85,000 की हो गई, पहले कितनी थी 99,000 की, जो असेट बैलेंस शीट में 99,000 दी थी वो 85,000 की हो गई, यानी कितनी डिक्रीज हुई, कितनी एप्रिसिएशन लगाना है, कितना 14,000, असेट 14,000 कम हो गई। एक तो इस ढंग से दिया रहेगा फिक्स असेट आर वैल्यूड एट 85,000, और यही बात और कैसे दे सकते, फिक्स असेट आर रिटर्न डाउन टू 85,000, फिक्स असेट रिटर्न डाउन टू 85,000, रिटर्न डाउन बाय नहीं लिखा है, रिटर्न डाउन टू लिखा है, कम होके 85 हो गई, 99,000 की असेट थी, कम होके 85,000। अब ये पॉइंट मशीन के बारे में, फर्नीचर के बारे में, स्टॉक के बारे में, किसी के बारे में भी दे सकते हैं। और कैसे दे सकते हैं? फिक्स असेट रिटर्न डाउन बाय 14,000, सीधे सीधे दे दिया। तो तीनों में से कुछ भी हो, हर केस में एक ही मतलब निकल रहा है कि असेट की वैल्यू 14,000 कम हो गई, ठीक है। तो इसको अगर बैलेंस शीट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। तो बैलेंस शीट में फिक्स असेट पहले अंदर लिख देंगे 99,000, फिर उसमें लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन माइनस 14,000, ठीक है, माइनस कितना लिखेंगे 14,000। तो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 85,000। क्या एग्री हो सभी जने? हाँ बेटा, नहीं यहाँ पे टू और बाय तो है ही नहीं, जो थोड़ा सा अंदर करके लिखे पर, जैसे मैंने लिखा बिल्कुल ऐसी ढंग से लिखना है, ठीक है, इसके बाद थोड़ा अंदर बाहर करके लिखना है क्या, जो टू और बाय रूल चलता वो यहाँ पे चले गए नहीं, एग्री। चले अब फिक्स असेट के बारे में और क्या एडजस्टमेंट आ सकता है वो समझते हैं। देखो फिक्स असेट के बारे में और ये चीज आ सकते हैं, फिक्स असेट आर अंडर वैल्यूड बाय 10%, यानी फिक्स असेट बढ़ाना है कि घटाना है, फिक्स असेट अंडर वैल्यूड बाय 10%, यानी असेट की वैल्यू बढ़ाना है कि घटाना है। कितने लोग बोल रहे हैं बढ़ाना है? भाई मेजोरिटी बढ़ाने वालों की, कम करने वालों की कम, फिर सोच लो। फिक्स असेट अंडर वैल्यूड बाय 10%, इसका मतलब होता है कि असेट हमने 10% कम करके लिखी है, हमने असेट कम करके लिखी है, यानी क्या मतलब निकला कि इसकी वैल्यू बढ़ानी है,
इसकी वैल्यू बढ़ानी है। अब लिखा है कि अंडर वैल्यूड बाय 10%, मतलब हमने 10% कम करके लिखा है, मतलब जो बैलेंस शीट में वैल्यू दी हुई है वो 90% है, वो जो फिक्स है ना 99,000 की, वो 90% है, उसको करेक्ट करना है, 10% बढ़ा के 100% करना है। अब यही बात और किस किस ढंग से दे सकते हैं वो समझ लो। ऐसे भी लिख सकते हैं कि फिक्स असेट अंडर वैल्यू 2 90%, आपके पास बाय नहीं लिखा है, टू लिखा है कि भाई वो जो असेट है ना वो अंडर वैल्यू 2 90%, यानी असेट अंडर वैल्यू करके 90% कर दिया है, वो असेट कम होके 90% हो गई है, कम होके 90% हो गई है, मतलब उसकी वैल्यू 10% बढ़ानी है। और ऐसे भी दे सकते हैं आर रिड्यूस्ड टू 90%, फिक्स असेट रिड्यूस्ड टू 90%, फिक्स असेट अंडर वैल्यू 2 90%, फिक्स असेट अंडर वैल्यूड बाय 10%, सबका एक ही मतलब है, फिक्स असेट अंडर वैल्यूड बाय 10%, फिक्स असेट को हमने जो वैल्यूएशन किया है ना वो 10% कम वैल्यूएशन किया है, हमको जितना लिखना था उससे हमने 10% कम लिखा है, कम लिखा है का मतलब क्या पढ़ा दो, फिक्स असेट अंडर वैल्यू 2 90%, हमने कम करके 90 कर दिया है, मिस्टेक के मतलब उसको सही करना है हमको, तो 10% बढ़ाना है, फिक्स असेट रिड्यूस्ड 2 90%, हमने रिड्यूस कर दी थी, हर केस में इसकी वैल्यू रिड्यूस टू 90%, तो उसकी वैल्यू बढ़ा देनी है हमको, एग्रीड। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 99,000 की, जो असेट है वो 90% है, अगर 99,000 90% है तो 1% कैसे निकलेगा, डिवाइडेड बाय 90 कर देंगे तो 1% आ जाएगा, फिर उसमें इंटू 10 करेंगे तो 10% भी आ जाएगा, तो 99,000 इंटू 10 बाय 100। अच्छा मैं रिड्यूस टू का मीनिंग थोड़ा अलग निकल रहा है वो मैं बाद बताता हूँ, मैं गलत बोल दिया है, और रिड्यूस टू ब्रैकेट निकलना है वो अपन बाद में समझते, वो ऐसा नहीं होगा, फिर इसे अंडर वैल्यू 290%, ये तय मान लेगा, फिक्स असेट 99,000 रुपीज की है, 10% उसकी वैल्यू कम हो गई 90% है, तो 10% कैसे निकालेंगे, 99,000 इंटू 10 अपॉन 90 कितना आएगा 11,000, फिक्स असेट 99,000 इंटू 10 अपॉन 90 कितना आएगा 11,000, तो 11,000 बढ़ाना है हमको, 11,000 वैल्यू बढ़ानी है तो हम बैलेंस शीट में क्या करेंगे, फिक्स असेट अंदर लिख देंगे 99,000, फिर लिखेंगे एड एप्रिसिएशन, कितना एड एप्रिसिएशन 11,000, ये 1,10,000 हो गया, ठीक है, और जो एप्रिसिएशन का वो रिवॉल्यूशन में कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में, बाय फिक्स असेट कितना लिखेंगे 11,000, एग्रीड, सबको क्लियर हुआ कि हमें जो बढ़ाना है, एग्रीड। अब आगे सुनो इसके बारे में और क्या आ सकता है असेट के बारे में, फिक्स असेट ओवर वैल्यूड बाय 10%, हमने 10% ज्यादा लिख दिया है, अगर हमने 10% ज्यादा लिख दिया है तो माइनस करेंगे, यानी वो जो लिखा हुआ है 99,000 वो 100% नहीं है, वो 110% है, जो असेट 99,000 बैलेंस में दी हुई है वो 100% नहीं है, 110% है, तो 99,000 इंटू 10 अपॉन 110 आएगा 9,000, तो 9,000 प्लस करना है कि माइनस करना है, माइनस। अच्छा ये चीज एक और ढंग से दी हो सकती है, फिक्स असेट ओवर वैल्यू 2, फिक्स असेट बढ़ा के 110% कर दिए, मतलब 10% घटाना है, तो हम क्या करेंगे बैलेंस शीट में लिखेंगे फिक्स असेट 99,000 और लेस डेप्रिसिएशन माइनस 9,000, और ये जो माइनस किया हमने फिक्स असेट में से, इसको और कहाँ लिखेंगे फिर हम, रिवॉल्यूशन में क्रेडिट करने की बजाय, रिवॉल्यूशन में क्रेडिट करने की बजाय डेबिट कर देंगे, टू फिक्स्ड असेट्स 9,000, क्या सभी लोग क्लियर हो, तो एक ही बात कितने ढंग से दे सकते हो, और फिर मीनिंग भी बदल रहा है थोड़ी सी देर में, सर, हाँ।
आप ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन लिख सकते हो, नहीं लिख सकते डेप्रिसिएशन, अगर वैल्यू कम हो गई तो आप डेप्रिसिएशन लिख सकते हो, अंडर वैल्यूएशन भी लिख सकते हो, उसको मर्जी अपनी है। ठीक है भाई, भाई सबको क्लियर है, चले अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। फिक्स एसेट के बारे में और क्या एडजस्ट हो सकता है? फिक्स एसेट आर वैल्यूलेस, फिक्स एसेट जो है वो वैल्यूलेस, खत्म ही होगी, फिक्स एसेट खत्म ही हो गई, तो बैलेंस शीट में दिखाएंगे नहीं, बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। ये 99,000 जो बैलेंस शीट में एसेट दिए वो उसका क्या होगा? रिवॉल्यूशन में डेबिट में आ जाएगा, रिवॉल्यूशन डेबिट में टू फिक्स एसेट 99,000 लिख देंगे और बैलेंस शीट में लिखेंगे ही नहीं। एग्री हो? मैंने तो कहा था फिक्स एसेट या किसी भी एसेट के बारे में 42 टाइप की बातें आती है, अभी तो सिर्फ चार ही बातें बताइए मैंने, अभी और आएगी, और आएगी बहुत ज़्यादा, 42 पूरी होगी, पर अभी पहले नॉर्मल वाली लूँगा जो कॉमनली जो आया करती है पहले वो, फिर जो तुम लोगों ने कम सुन रखी है वो चीज़ें भी लूँगा, एक एक करके सब लेंगे। ठीक है, पहले सभी एड्रेस में नॉर्मल वाले लेंगे अपन, जो बुक्स में अक्सर मिल रहे हैं हमको, फिर वो भी लेंगे। ठीक है, ये पूरे आगे तक है, बहुत लंबा पेज है, चलूँ आगे दिखाऊँ, ये रहा ये एडजस्टमेंट चल रहे हैं, ये बहुत लंबे एडजस्टमेंट चलेंगे फिलहाल एक एक करके। अब हम चलते दूसरी चीज पे, अच्छा हाँ भाई ये एक मिनट, अब अगर यहाँ पे ये लिखा होता है फिक्स से अंडर वैल्यू 290%, तो इसका मतलब बता दिया कि कम करके 90 कर दिया तो 10%, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा है रिड्यूस टू 90%, तो उसका मीनिंग फिक्स एसेट रिड्यूस टू 90% का मीनिंग बदल जाएगा। फिक्स एसेट अंडर वैल्यू टू 90% का मतलब 10% कम लिखा हुआ है, बढ़ा दो। फिक्स एसेट रिड्यूस टू 90% कम करके 90% कर दो, कम कर दो और 9900 से कम होगा, मीनिंग बदल गया दोनों केस में। अगर लिखा होता है फिक्स एसेट अंडर वैल्यू 290% कम करा हुआ है 10%, कम करा हुआ है 10% तो बढ़ा दो। फिक्स एसेट रिड्यूस 290%, फिक्स एसेट 10% रिड्यूस टू कम कर दो, कितना कम करो 90%, गिराते 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 90 पे लेके आ जाओ, यानी कितने परसेंट कम करो 10%, यानी जो अभी लिखा हुआ है कितने परसेंट लिखा हुआ है 100%, अभी जो लिखा हुआ है वो कितना है 100, तो 99,000 × 10/100, 99,000 के असेट है इंटू 10/100 कितना आएगा 99,000 असेट में से माइनस कर देंगे, रिवॉल्यूशन के डेबिट में लिख देंगे। ऐसे अगर लिखा होता इंक्रीज टू, यानी 100% लिखा हुआ है, बढ़ाते बढ़ाते 110% कर देंगे, है ना, 9900 प्लस कर देंगे, रिवॉल्यूशन के क्रेडिट में लिख देंगे। क्या सभी एग्री हो? Yes, sir. क्या सभी एग्री हो? Yes, sir. अगला, अब आते हैं बेड डेब्ट्स में। अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि बेड डेब्ट्स है 2500, तो बेड डेब्ट्स है 2500 ये कैसे दे सकते हैं? तो ऐसा लिखा होगा बेड डेब्ट्स अमाउंटेड टू 2500 का पैसा डूब गया, या फिर यू लिखेंगे वन कस्टमर Who owed us ₹2500 became insolvent and nothing is recovered from him. एक कस्टमर है उससे 2500 लेना है, वो दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, पैसे डूब गए, इंसॉल्वेंट हो गया, बैंक करप्टेड हो गया। ठीक है, तो 2500 डूब गए, ऐसे किसी भी ढंग से दे सकते हैं कि डूब गया पैसे। अगर 2500 डूब गए, बैड डेट्स हो गया है, तो बैड डेट्स की एंट्री कैसे करेंगे हम? तो इसके अंदर चार केस चलेंगे, बैड डेट्स की एंट्री चार केस में चलेगी। एक तो वो केस जब हमको बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स नहीं दिया हो, बैलेंस शीट में पहले से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स नहीं दिया है, उस केस में बैड डेट्स की एंट्री क्या होगी वो समझेंगे। चार केस से, चार तरीके से, अलग अलग ढंग से अलग अलग मीनिंग निकलेंगे हर जगह पे। हमने पहले से कोई प्रोविजन करके नहीं रखा था कि डूब भी सकते हैं, बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स नहीं दिया है, इसका मतलब क्या कि हमने तो पहले से मान के रखा था कि कुछ भी नहीं डूबेगा हमारा, लेकिन डूब गया, प्रॉफिट की लॉस रिवॉल्यूशन में कहाँ आएगा? तो अगर बैलेंस शीट में पीडीडी नहीं दिया हो तो उस केस में समझा रहा हूं मैं, बैलेंस रिवॉल्यूशन में कहाँ पे लिखेंगे हम इसको, एक मिनट, रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट में टू बैड डेट्स का नाम से लिखेंगे 2500 रुपीस लिख देंगे, रिवॉल्यूशन डेबिट में कितना लिखेंगे
25 उधर बैलेंस शीट में क्या करेंगे हम? उधर बैलेंस शीट में डेटर्स मान लो 30,000 दिए हुए मान लिया, लेस डेटर्स, लेस डेटर्स माइनस 2500, माइनस 2500 तो बाहर अमाउंट आ जाएगा 27,500। डेटर में से माइनस कर दिया और क्या करा हमने? डेटर में से माइनस कर दिया डेटर्स का अमाउंट और क्या किया हमने? रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट में लिखा था 2500 रुपीस। क्लियर है? क्लियर है सबको? अब हम समझते हैं और ऐसा नहीं हो तो फिर कैसा हो? व्हेन इन ओल्ड बैलेंस शीट पीडीडी इज गिवन, अगर पहले से बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया हो, और वो जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया ना उसमें भी फिर दो कंडीशन बनेगी, जितना बैड डेट से उससे ज्यादा प्रोविजन दिया हो तो, उससे कम प्रोविजन दिया हो तो। अगर ज्यादा प्रोविजन दिया है तो पहले मान लो बैलेंस शीट में प्रोविजन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 3,000 रुपए। यानी हम 3,000 से पहले से लॉस मान के चल रहे थे, हमने पहले ही प्रोविजन करके रखा कि 3,000 डूबेंगे। पहले वाला केस क्या चल रहा था? हमने कोई प्रोविजन नहीं बनाया था, कुछ डूबने की उम्मीद थी नहीं, लेकिन अब हमने माना है कि 3,000 डूबेंगे, लेकिन 3 नहीं, अभी फिलहाल कितने डूबे? 2500। यानी बाकी 500 अभी प्रोविजन में पड़े रहे तो बाद में डूबेंगे नहीं डूबेंगे देखेंगे, फिलहाल 2500 डूब चुके और हमने उसके लिए पहले से 3,000 का प्रोविजन बना के रखा है। ठीक है, अब हम बैड डेट्स की एंट्री क्या करेंगे वो समझा रहा हूँ। पहले से बैलेंस शीट में प्रोविजन दिया हुआ है कितना? 3,000। अच्छा अभी कितना डूब रहा है? तो जो 2500 का लॉस हो रहा है वो प्रोविजन में से एडजस्ट करेंगे। काय में से? प्रोविजन में से एडजस्ट करेंगे। तो एक इफेक्ट हुआ, इसका दूसरा इफेक्ट, अब पैसा डूब ही गया तो डेटर्स पे क्या इफेक्ट आएगा? अगर पैसा डूब ही गया क्या हो रहा है शिवांश? अगर पैसा डूब ही गया तो डेटर्स पे क्या इफेक्ट आएगा? डेटर्स कम हो जाएंगे और तो प्रोविजन भी कम हो जाएगा। डेटर्स भी कम होंगे और प्रोविजन भी कम होगा, तो बैलेंस शीट में कैसे लिखेंगे? पहले से डेटर्स माइनस कर देंगे 2500, फिर डेटर्स कितने बचे हमारे पास? उधर प्रोविजन कितना बचा हमारे पास? जो प्रोविजन 3,000 का था अब कितना बच गया? 500। तो बाहर कितना आएगा? ये आ गया, वो जो लास्ट था वो हमने कायम में से एडजस्ट किया प्रोविजन में से, वो जो 2500 के पैसे डूब गए थे उस लास्ट को हमने कायम में से एडजस्ट किया प्रोविजन में से एडजस्ट किया। एग्रीड? चूंकि प्रोविजन में से एडजस्ट कर चुके हैं इसलिए उस लास्ट को रिवॉल्यूशन में नहीं दिखाया गया। अब वो जो बैड डेट्स पहले पिछली बार हम दिखा रहे थे हम बैलेंस शीट में रिवॉल्यूशन अकाउंट में, वो रिवॉल्यूशन अकाउंट में अब हम नहीं दिखाएंगे, वो हमने प्रोविजन में से एडजस्ट कर लिया। अब आऊंगा ना, अब अगला केस आएगा ना बेटा। अब समझा रहा हूँ कि अगर बैलेंस शीट में जो प्रोविजन, अब आ रहा है जो तुम बोलो अगला पॉइंट वही आ रहा है, इसे बोलो। इस पॉइंट के अंदर प्रोविजन अपने पास पहले से जो था कितना था? प्रोविजन था 3,000, लेकिन डूब कितने रहे? 2500, यानी प्रोविजन से कम ही डूब रहे हैं। प्रोविजन कम हो गया अपना, हाँ, जो हाँ। उसका उस रिवॉल्यूशन में नहीं करना। नहीं, बैलेंस शीट रिवॉल्यूशन में कुछ नहीं, क्योंकि हमने प्रोविजन बना के प्रोविजन पहले हमने क्या करा, पहले से बैड डेट्स की एंट्री कर रखी थी 3,000 की, कि डूबेंगे पर डूबे 2500 फिलहाल, तो वो उस प्रोविजन में से एडजस्ट करो ना जो लॉस अपने एडजस्ट कर रखा है। एग्री। अच्छा, अगर बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना दिया हो? हमने 2,000 का प्रोविजन कर रखा था, 2,000 डूबेंगे, लेकिन डूबे कितने? 2500, ये तो 500 ज्यादा ही डूबे, तो वो फिर रिवॉल्यूशन में आ जाएगा। ये अब हमने जो प्रोविजन बनाया था उससे ज्यादा ही डूब गया, तो फिर रिवॉल्यूशन में आएगा। तो रिवॉल्यूशन में कितना आएगा? क्या पापा जितना कम है प्रोविजन में, यानी 500 रुपये बैड डेट्स आएगा। उधर बैलेंस शीट में क्या होगा सुनो, चाहे ऐसे बनाओ या वैसे बनाओ, डूब तो गई है आपके पैसे, चाहे जो भी कैसे पैसे डूबे तो है ही, डेटर में तो 2500 माइनस होंगे ही। अच्छा, अब हमारे पास प्रोविजन में क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि 2,000 रुपये का प्रोविजन था, डूब रहे 2,500, तो प्रोविजन तो पूरा ही खत्म हो गया आपका, और 500 रिवॉल्यूशन में डेबिट किया हमने, तो प्रोविजन में क्या बचा? प्रोविजन में कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, तो बाहर कितना आएगा फाइनली? 27,500 बाहर आ जाएगा। हाँ बेटा, बैड डेट्स दिए ना बेटा, तुम कहाँ हो, क्लास में रहो ना पहले, तो हाँ सोचेंगे, अभी जो समझा उसको समझ लेते पहले, वो आया हो तो बात करो पहले। तो भाई कितने डूब गए थे हमारे? 2500, और प्रोविजन कितना दिया था?
2000 का, तो 2000 तो हमने पहले मान के रखा था कि डूबेंगे डूबेंगे, लेकिन डूब गए 2500, तो जो 500 रुपये ज़्यादा डूबे वो रिवॉल्यूशन डेबिट में आ जाएंगे, वो तो प्रोविजन पूरा खत्म हो गया हमारा, एग्रीड। और डेटर्स 2500 के कम हो गए हमारे, एग्रीड एग्रीड। क्लियर सभी को? क्या सबको अच्छी तरह क्लियर हुआ? देखो अगर प्रोविजन के बारे में कुछ और होता तो वो पॉइंट समझते हैं। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर्स एट 5%। डेटर्स पे 5% डाउटफुल है, अभी नए पॉइंट पे आया, अभी तक अपन बेटर्स की इनकी समझ रहे थे, बैलेंस शीट एडजस्टमेंट में बेटर्स दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था? अब बेटर्स नहीं दिया हुआ है, अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स यानी पीडीडी दिया हुआ है। तो पीडीडी किस किस ढंग से दे सकते हैं और हर सिचुएशन में क्या एंट्री होगी? एक तो यूं दे सकते हैं, प्रोविजन क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर 5%, डेटर का 5% पर आप प्रोविजन कर लो कि भाई इतना तो डूब ही सकता है। इसी बात को और कैसे दे सकते हैं? ऐसे दे सकते हैं, प्रोविजन फॉर बेटर्स वाज टू बी मेड इक्वल टू 5%, डेटा के 5% के इक्वल टू प्रोविजन मान के चलो। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर पहले से बैलेंस में पीडीडी नहीं दिया हो तो, अगर पहले से बैलेंस में पीडीडी दिया हो तो, है ना, पहले तो कितना परसेंट प्रोविजन है? 5%, ठीक है। तो डेटर से 30,000 रुपये के, डेटर कितने? 30,000। अब एड्रेस के बाद भूल जाओ, अब क्या दिया हुआ है हमको? प्रोविजन। तो डेटर में से लेस करेंगे हम, लेस पीडीडी कितने परसेंट? 5% कितना होता है? 1500। और बाहर कितना आ जाएगा? ये आ गया। अच्छा पहले से कोई पीडीडी तो दिया ही नहीं हुआ था, हम केस क्या पढ़ रहे हैं? हम केस क्या पढ़ रहे हैं कि पहले से बैलेंस शीट में पीडीडी नहीं दिया हुआ है, तो जो अब 5% डूब गई तो हमारा लॉस हो गया। जो हमने डेटा में से 5% माइनस किया ये तो हमारा लॉस हो गया। तो ये रिवॉल्यूशन में कहाँ पे आएगा? रिवॉल्यूशन में डेबिट में किस नाम से आएगा? पीडीडी। कितना आएगा? अच्छा बेटर्स तो क्वेश्चन में है ही नहीं, बेटर्स आएगा ही नहीं, एग्री हो? और अब केस लेते हैं, अगर पहले से बैलेंस शीट में पीडीडी दिया हो तो, जो पहले से बैलेंस पीडीडी दिया फिर इसमें दो केस बनेंगे, जो पहले से पीडीडी दिया हुआ है वो जो अभी बनाना है उससे ज़्यादा हो तो, उससे कम हो तो, अभी 5% कितना आ रहा है? 15। मान लो पहले से 1000 है तो पीडीडी कितना बढ़ेगा? 500। तो बैलेंस में पीडीडी 1500 माइनस कर देंगे और रिवॉल्यूशन में कितना लिखेंगे? 500। किस साइड लिखेंगे? डेबिट में। और अगर पहले से प्रोविजन 2000 होता और अभी कितना हो रहा है? 1500 डूब रहा है। हमने पहले कितना प्रोविजन बनाया था? 2000। तो हमारे डूब रहे थे 2000 लेकिन अब डूबेंगे हमारे 1500 ही, तो 500 रिवॉल्यूशन में कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट। और बैलेंस शीट में 1500 ही माइनस होंगे। एग्री? इस पॉइंट को और डिटेल में समझेंगे हम लोग, इस पॉइंट को बाद में और डिटेल, क्योंकि इसके बारे में बहुत से कंसेप्ट हैं। तो ये जो प्रोविजन वाला पॉइंट है, जो थर्ड वाला पॉइंट है, जो हम कल वापस रिपीट करने वाले हैं, ठीक है? ठीक है भाई।